कृपा हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया और तब मैं भी उन्हीं के रास्ते पे चल पड़ा। तो एक ऐसी कविता उसी समय की लिखता हूँ जब कटा था, जब एकदम चरम पे चल रहा था तब की कविता है। तो लिखते हैं तब की, उस कविता का नाम है भीषण अरण्य। और अगर हिंदी साहित्य थोड़ा बहुत जानते होंगे तो बड़ा मजा आएगा, नहीं जानते होंगे तो ज़्यादा तालियां बजाइए क्योंकि तब बहुत बड़ी बात कही जा रही है। तो भीषण अरण्य, अरण्य मतलब होता है ऐसा जंगल जिसमें कि कुछ दिखाई ना दे, बहुत भीषण एकदम अरण्य। तो तब कहते हैं कि मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ, जो नहीं सोचना सोच रहा हूँ, जो नहीं सोचना सोच रहा हूँ, नहीं देखना देख रहा हूँ, और ख्वाब भी कितने ओछे हैं, ख्वाब भी कितने ओछे हैं, मैं ऐसा कैसे हो गया हूँ, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ। और अपनी दिव्यता, अपनी अस्मिता, अपना तेज, कहूँ तो स्वयं को अपने सिरहाने का तख्त बनाकर सो गया हूँ, और मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ। और जो जग जाऊंगा पर क्या करता, पर क्या करता अंधेरा था, उस भीषण अरण्य की बात करता है कि पर क्या करता अंधेरा था, पेड़ों से जा टकराता था, पर क्या करता अंधेरा था, पेड़ों से जा टकराता था, बार बार चोटिल होता था, बार बार घबराता था, बार बार चोटिल होता था, बार बार घबराता था, इन चोटों से थककर मैं चोटिल होकर सो गया हूं, और मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं। और जो जग जाऊंगा, जग जाऊंगा तो बच जाऊंगा, जग जाऊंगा तो बच जाऊंगा, पर इस भीषण अरण्य को पार कैसे कर पाऊंगा, जग जाऊंगा तो बच जाऊंगा पर इस भीषण अरण्य को पार कैसे कर पाऊंगा, अपने विनाश की घुंघरू की मोहनी से मंत्रमुग्ध में हो गया हूं, और मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं। और तब जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है कवि, जब उसको लगता है कि नहीं यहां कुछ अब बचने की संभावना बन रही है, तो कहता है कि अरे अरे चंदन की खुशबू, अरे अरे चंदन की खुशबू इस अरण्य में, अरे अरे चंदन की खुशबू इस अरण्य में, कहां वो कैसे आई, यह खुशबू अपने संग संग एक दिव्य आभा को लाई, यह खुशबू अपने संग संग एक दिव्य आभा को लाई, और इस अरण्य से बचने के काबिल अब मैं हो गया हूं, और मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं। और तब कहते हैं कि यह वृषभ पर बैठा कौन है, यह वृषभ मतलब होता है बैल, तो कहते हैं कि वृषभ पर बैठा कौन है यह, क्या मुझको यह पहचानता है, वृषभ पर बैठा, अब सोचिएगा कि वृषभ पर बैठा कौन है, तो कहता है कि वृषभ पर बैठा कौन है या क्या मुझको यह पहचानता है, साथ चलने को कह रहा है क्या, अरण्य का मार्ग जानता है, साथ चलने को कह रहा है क्या, अरण्य का मार्ग जानता है, जाऊं या संग में ना जाऊं, मैं इस दुविधा में हो गया हूं, और मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं। और तब कहते हैं कि इन्हीं से बिछला था अरण्य में, अरे हाँ मैं इसे जानता हूं, इसी से बिछड़ा था अरण्य में, अरे हाँ मैं इसे जानता हूं, और मैं इसी से बिछड़ा था अरण्य में, अरे हाँ मैं इसे जानता हूं, और इसको भी पहचान न पाया, ऐसा कैसे हो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं। और तब कहता है, पहचानता है, सोचता है कि हो सकता है, तो कहता है अरे वाह यह विष्णु है, अरे वाह यह विष्णु है इस अरण्य के स्वामी है, अरे वाह यह विष्णु है इस अरण्य के स्वामी है, यह अरण्य माया है इनकी, यह अरण्य माया है इनकी, और इनकी माया में फंसकर मैं माया का ही हो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं। और तब इतना इतना विवश है, इतना कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा, तब कहता है कि पर यह क्यों मुझे बचाएंगे, पर यह क्यों मुझे बचाएंगे, इनका मुझसे क्या नाता है, मुझे क्यों लेने आएंगे, पर यह क्यों मुझे बचाएंगे, इनका मुझसे क्या नाता है, मुझे क्यों लेने आएंगे, इनकी दिव्यता की तेज में उलझकर मैं किंग कर्तव्य मूढ़ सा हो गया हूँ, और मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ। और एक मिनट का और समय लूंगा अधिक से अधिक। जब कहते हैं कि पर यह क्या, अब असल में पहचान होती है, तो कहता है कि पर यह क्या, गंगा चरणों से नहीं जटा से इनके आती हैं, पर यह क्या, गंगा चरणों से नहीं जटा से इनके आती हैं, और यह विष्णु नहीं महाशिव हैं, यह विष्णु नहीं महाशिव हैं, गंगा देवी बताती हैं। और शिव को भी पहचान न पाया, कैसा नीच में हो गया हूँ, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूँ। और अंतिम पंक्ति बस कहना चाहूँगा कि पर अब क्या, पर अब क्या, पहचान हो गई, शिव को पहचान लिया, तो अब कहता है कि पर अब क्या, पहचान हो गई, संबंध हो गया, अब तो साथ जाना ही है, पर अब क्या, पहचान हो गई, संबंध हो गया, अब तो साथ जाना ही है, जब स्वयं इष्ट ही आ गए तो इनको तो पाना ही है, और शिव का था, शिव का हूं, और शिव का ही मैं हो गया हूं, और ऐ अरण्य अब मैं नहीं कहूंगा कि मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया हूं, मैं किसी भीषण अरण्य में खो गया। धन्यवाद।